नीतीश कुमार ने आज पटना के ज्ञान भवन में दो दिवसीय आम महोत्सव की शुरुआत की। इस आम महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसान अपने अपने आमों के साथ पहुंचे हैं। आम महोत्सव में 300 से ज्यादा किस्म के आमों के स्टॉल लगाए गए हैं। महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में आम की उपज ज्यादा होती है। वहीं कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि महोत्सव में अलग अलग प्रकार के आम हैं, जिसे लोग देखने के साथ साथ खरीद भी सकते हैं। हम फलों का राजा मानते हैं, उसकी उपज बिहार में बड़ी मात्रा में होती है, तो वो उपज इसी प्रकार से होते रहे, आम का उत्पादन बढ़े और आम के जो प्रभेद हैं, वो प्रभेद मतलब उसके जो डिफरेंट क्वालिटीज हैं, अलग अलग स्वाद के आम और ज़्यादा उत्पादित हों, उनका बागान लगे, पैदावार बढ़े, ये हम सब लोगों का उद्देश्य है। बिहार में आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आम की सभी वैरायटी, लगभग 400 से अधिक वैरायटीज इस महोत्सव में आई हैं। किसान अपनी वैरायटीज का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्देश्य है कि किसानों को प्रोत्साहित करना, आम की जो खासियत है उसको लोगों के बीच में लाना, और खास करके लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है इसको लेकर के। लोग आते हैं बड़ी संख्या में और वो देखते हैं कि किस प्रकार के आम की वैरायटी, और इस बार हम खरीद की भी व्यवस्था रखी कि लोग खरीद कर भी ले जा सकते हैं डिफरेंट वैरायटी। तो आम की काफ़ी वैरायटीज आज आई है और आम से बने हुए कई प्रकार के व्यंजन भी आए हैं। आम से बने लोग स्वास्थ्य